और अब बात कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की। सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर प्रश्न उठाया। कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि एक ही दिन में नियुक्ति की इतनी जल्दी क्यों थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मामला भी उठाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। हिंदुस्तान में आज जो माहौल पैदा हुए हैं, जहां जुडिशियरी के साथ सरकार की टकराव, बेजा इस्तेमाल किया जा रहे हैं सारे सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं, बेजा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये सब चीज आपकी जानकारी में है। हम ये भी मुद्दा उठाना चाहते हैं कि चाइनीज बॉर्डर में, इंडो चाइना बॉर्डर में स्थिति क्या है। सरकार इसमें सदन के अंदर एक चर्चा कराएं, बहस कराना जरूरी है, क्योंकि ये एक मुद्दा जो है, हमें इसके बारे में सही ढंग से जानकारी नहीं दिया जाते हैं। चेयरमैन से अनुमति से हम किसी भी मुद्दे पर क्यों ना हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ सुझाव उन तरफ से, उन लोगों के तरफ से, अपोजिशन तरफ से आए हुए हैं, हमने नोट किया है। बीएसई में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे, उसके ऊपर चर्चा होगा। और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज़्यादा हमारा चर्चा हुआ है, और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड।